नमस्कार। स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की मुलाकात। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 किए प्रदान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर समाज सेविका कुंवरणी रितु सिंह ने किया कार्यक्रम आयोजित और कहा कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। डीसी सांबा ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में रात में आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध और किराएदारों किराए पर लिए गए व्यक्तियों के विवरण का खुलासा करने के दिए आदेश। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। जम्मू कश्मीर में सभी पंचायतों का कार्यकाल मंगलवार 9 जनवरी को हुआ समाप्त। 2018 में हुए थे चुनाव। मौजूदा खराब मौसम की स्थिति और पूर्व अनुमान के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंगलवार को जम्मू कश्मीर यात्रा स्थगित कर दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जम्मू में संपदा विभाग के अधिकारी क्वार्टर का किया उद्घाटन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी को रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।